गर्ल्स पावर लेडीज जिम, जहां कार्डियो वेट मैनेजमेंट, फ्लोर एक्टिविटीज, स्ट्रेंथ और पर्सनल ट्रेनिंग, बेसिक डाइट एंड इंच कार्ड विथ एट्रैक्टिव पैकेज के साथ जिम ट्रेनिंग कोर्स पर 20% ऑफ, स्मार्ट ट्रेनिंग प्लान और फुल बॉडी चेकअप। साथ ही ब्यूटी पार्लर सर्विस और क्लास पर 30% ऑफ। फिटनेस एंड ब्यूटी लवर्स की पहचान है फॉर द बेस्ट रिजल्ट। ज्वाइन गर्ल्स पावर, बी फिट बी फैबुलस। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा के बॉम्बे कॉलोनी में संतोष ग्राउंड में कल रात के समय विधायक जितेंद्र हवाट पहुंचे थे और बताया कि इस ग्राउंड को बच्चों के खेलने के लिए जल्द ही तैयार करके दिया जाएगा और जितेंद्र अवार्ड के समर्थन में यहाँ काफ़ी संख्या में बच्चे मौजूद थे जो उनके समर्थन में नारे भी लगा रहे थे। मीडिया से बातचीत करते हुए विधायक जितेंद्र अवार्ड ने कहा है कि मुंब्रा की 3 पीढ़ी उनके साथ है और आगे भी रहेगी। दरअसल आपको बता दें कि मुंब्रा के बॉम्बे कॉलोनी स्थित संतोष ग्राउंड पर मुंब्रा के कई बिल्डरों की नज़र टिकी हुई थी। कई बड़े बिल्डर इस संतोष ग्राउंड पर इमारत बनाने की फिराक में लगे हुए थे, मगर कल विधायक जितेंद्र भाट ने इस ग्राउंड का जायज़ा लिया और कहा कि इस ग्राउंड को बच्चों के खेलने के लिए बनाकर दिया जाएगा और इस पर रिजर्वेशन भी है। तभी से उन बिल्डरों की दिल की धड़कन तेज़ हो गई है जो इस ग्राउंड पर इमारत बनाने की फिराक में लगे हुए। साथ ही जितेंद्र हवाड ने कहा कि मुंब्रा कौसा में धड़ल्ले से अवैध निर्माण हो रहा है जिनको रोकना बहुत जरूरी है। मीडिया से बातचीत करते हुए जितेंद्र हवाड ने क्या कहा है आपको सुनाते हैं। और साहब, आज आप संतोष ग्राउंड में यहाँ मौजूद है, सारे बच्चे आपके शान में नारे लगा रहे हैं, खुश है, काफी खुश है, तो इस ग्राउंड को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, इसकी क्या लड़ाई थी? लड़ाई कुछ नहीं है, ये खिलाफ भी लड़ाई नहीं है, ये ग्राउंड बच्चों के लिए तैयार करना है, थोड़ी सी लाल मिट्टी डालनी है और ये ग्राउंड साफ सुथरा करके बच्चों को खेलने के लिए उनके हाथ में देना है बस। सर, मुंब्रा में ऐसे और भी कई नौजवान हैं जो ग्राउंड की मांग करते हैं, तो उनके लिए भी इस तरह का ऐसा कुछ ग्राउंड की आप ये ग्राउंड बताओ, वो ग्राउंड आपके हाथ में दे दो। सर, MMLE में जो है नाइस वर्ल्ड के ठीक बाजू में एक ग्राउंड दिया गया था, लेकिन वहाँ पर अभी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं हुई, लोग खेल नहीं पा रहे। ऐसा है कि वो ग्राउंड प्राइवेट किसी प्रॉपर्टी है, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी वाले से मैंने बात की है और वो ग्राउंड हमको मिलेगा ही। वो 3 एकड़ का ग्राउंड है, वो 3 एकड़ ग्राउंड मुंब्रा वासियों के लिए तैयार हो जाए। सर, इसके अलावा और कहीं ग्राउंड मिल सकता है? वो ऐसा है कि शहर में 10 ग्राउंड तो होते नहीं, इतना आपके ध्यान में होता जी। तकरीबन कितना टाइम जाएगा ये ग्राउंड मिलने के लिए? मेरे ख्याल से और 1-6 महीने में वो ग्राउंड तैयार होगा। अरे, आपने अपने हाथ में मिल जाएगा, फिर उसको हम डेवलप करेंगे। सर, यहाँ के छोटे छोटे बच्चे आज आपके हक में नारे लगाए, आपका हौसला बुलंद किए, क्या फील होता है? अच्छा फील होता है। कुछ मैसेज देना चाहूँगा, मुंब्रा की 3 पीढ़ियाँ मेरे साथ हैं, जिन्होंने 2009 में जिताया वो पीढ़ी मेरे साथ है, नस्ल मेरे साथ है। उनके बच्चे जो 4-5 साल के थे उस वक्त, अब 18-19-20 के हो गए, वो बच्चे मेरे साथ हैं और जब ये अभी आगे बढ़ेंगे तो ये भी बच्चे मेरे साथ हैं। सर, ये संतोष ग्राउंड को किस तरीके से डेवलप किया जाएगा, क्रिकेट मैदान में या यहाँ? क्रिकेट मैदान मैदान डेवलप नहीं करना पड़ता है, हम भी छोटे थे, हम भी 40 में गए हैं, हम तो रस्ते पे क्रिकेट खेले, कोई ग्राउंड भी नहीं लगता है, हरियाली फैली हुई है, पानी गिर रहा है, ऐसा कोई ग्राउंड नहीं बनता है। आजाद मैदान में जाते हैं तो खुले ग्राम में वो किसका बॉल किधर जाता है ये भी समझ में नहीं आता है। सर, आने का जिसको शौक है ना उसको सिर्फ मैदान चाहिए होता है। सर, आने वाले टाइम पे ये कभी ग्राउंड कब्जा नहीं होगा क्या? आने वाले समय में ये ग्राउंड कभी कब्जा नहीं होगा? अब चाहते हैं क्या? नहीं नहीं, सवाल पूछो सर। सवाल नहीं, आप तो ऐसा पूछ रहे जैसे कब्जा होने वाला है। पूछो सर। सर, ग्राउंड मतलब जाति तौर पे पास हुआ है या टेम्पररी बेसिस पे अभी जो इसमें प्रॉब्लम थे वो रोके गए? और रिजर्वेशन हटेगा नहीं, ये तो आप पत्रकार है उनकी जिम्मेदारी है, ये भी दिखाओ। आप पत्रकार है उनकी जिम्मेदारी है कि मुंब्रा में जितने इलीगल कंस्ट्रक्शन चालू है वो जरा दिखाओ ना।
सर हम लगातार हम दिखा रहे हैं और उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। मुंब्रा के जितनी भी आवाम है उनको जगाओ कि यहाँ से पैसा कौन लेता है, पैसा किसके पास जाता है, कौन से एरिया में कितनी बिल्डिंगें चालू हैं, जरा बताओ हमको। सर बताने के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही ना, तो आप बताओ मेरे को, फिल्म भेजो, मैं कमिश्नर को भेज दूंगा कि मुंब्रा में क्या हालात है। लगातार सील फाटा की तरफ 150 बिल्डिंग बन रही है, आचार गली, खान कंपाउंड, एमएस कंपाउंड। सर लगातार लगातार हमारे सब 300 रुपया फुट से माल खा रहे हैं, और ये माल कौन खा रहा है ये पूरे मुंब्रा को मालूम है। सर हमने लगातार हमारी हिंदुस्तानी रिपोर्टर में हमने न्यूज दिखाई जा रही है और हर हमने एक एक सेक्टर दिखाया, जैसे खान कंपाउंड, केला कंपाउंड, आचार गली, फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही है, उसको लेके आप क्या कहेंगे? तुम्हारे जो एडिटर है वो लड़ते रहते हैं और उसका लड़ना बहुत ही जायज है। बात यह है कि यहाँ पे ये मुंब्रा शहर खराब होना चाहिए, ऐसे कई लोगों की मानसिकता है। मुंब्रा शहर में बिल्डिंग बढ़ने से पानी की किल्लत होती है, जो मैं पहले से कहता हूँ। एक ज़माने में इधर लाइट ही नहीं रहती थी इलीगल बिल्डिंग के वजह से, रास्ते का जो ट्रैफिक का प्रॉब्लम है इलीगल बिल्डिंग की वजह से, और आज भी रुकने का नाम ही नहीं है। और ये रुकेगा नहीं तो मुंब्रा बर्बादी की तरफ चला जाएगा, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर, यहाँ के पुलिस ऑफिसर, यहाँ के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिसर जो हफ्ता लेते हैं। मैं ये खुलेआम बोल रहा हूँ, डालो मेरे ऊपर डिफेमेशन की केस। आठ माला सर तैयार हो जाता है, उसकी हाई कोर्ट से डेमोलेशन के लिए उसका वो उतरता है और फिर भी आठ माला किस तरीके से तैयार हुआ ये कमिश्नर साहब क्यों नहीं पूछते? मेरा सवाल ये है कि प्लिंथ क्यों बनने देते प्लिंथ? अरे आपको मालूम नहीं है तीन तीन महीने में एक बिल्डिंग बनती है, पांच का भी भूकंप आएगा ना, पांच रिस्टर स्केल का, तो कम से कम इधर 5,000 जान जाएगी, हिलने वाली बिल्डिंग बनी है, कुछ माली नहीं उसमें। उसको जो साइंटिफिकली उसको पानी देना चाहिए, उसको सूखने देना चाहिए, कुछ नहीं। एक स्लैब, दूसरा स्लैब, तीसरा स्लैब, हो गए 8 मंजिल, चलो मारो उसको दीवार, चलो घर में घुस जाओ। लोग गरीब है, उनको घर चाहिए, उनका सपना उनको पूरा करने का है, और उनके सपनों के ऊपर खेल के कुछ लोग पैसा दबा रहे हैं, पैसा खींच रहे हैं, और ये नेक्सस है। इसमें पुलिस अधिकारी भी शामिल है, इसमें म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारी भी शामिल है, और कुछ नेता भी शामिल है।